हेलो गाइस, ग्रुप स्टडी में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने असाइनमेंट नंबर 3 खत्म किया एफडीएस का। अभी हम लोग असाइनमेंट नंबर 4 देखने वाले हैं। तो असाइनमेंट नंबर 4 में क्या राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू स्टोर फर्स्ट ईयर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन एरे। नाउ लेट मी टेल यू, एरे जैसा कुछ नहीं होता पाइथन के अंदर। एरे सीपीपी का कांसेप्ट है, बट यहां पे जब अपन लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, लिस्ट पे अपन वैल्यू स्टोर करते हैं, तो उसी को एरे बोलते हैं। लाइक अगर कोई असाइनमेंट आपने पूछा चांसेस से पूछने के कि एरे होता है क्या, लाइक एरे इज अ डिफाइंड वर्ड डिफाइंड कीवर्ड इन पाइथन, तो हम लोग बोलेंगे नहीं वहाँ पे लिस्ट होता है, बट लिस्ट को अपन एज अल्टरनेटिव ऑफ एरे यूज करते हैं। तो हमें फंक्शन यूज करना है सिलेक्शन सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट का। अच्छा, ये सिलेक्शन सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट क्या है, सॉर्टिंग टेक्निक्स है, ठीक है। इनका अलग अलग एल्गोरिथम है, अलग अलग अपना खुद का इनका मेथड है, अपन देखेंगे। तो अपना कोड बहुत ईजी कोड है। हमने यहाँ पे सिलेक्शन सॉर्ट डिफाइन किया है, बबल सॉर्ट डिफाइन किया है, और यहाँ पे हमने लिस्ट ली है, ठीक है। तो लिस्ट कैसे लिए, लिस्ट अभी अपन लिस्ट लेके दिखाएंगे। ऊपर से हमने किया क्या, हमने पहले प्रिंट कराई वैल्यू, ठीक है, हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द फर्स्ट ईयर, और हमने एन में वैल्यू ले ली। चाहो तो मैं दो ये दो लाइन का देखिए एक लाइन में कर सकता हूँ। लेट मी शो यू। सपोज मैंने एक लिस्ट बना ली, यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट का नाम क्या है, एरे, ठीक है, एरे नाम की लिस्ट है। ये नाम कुछ भी हो सकता है, हमारे ऊपर है, हमें नाम हम एरे या आपका नाम मेरा नाम, ठीक है, कैन पैन कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैं करके दिखाता हूँ ये कोड में। प्रिंट स्लैश एन, स्लैश एन का तू भी चलता है, बस लिखते हैं कि कोड अच्छा दिखता है ये सब लिखने से, और बस एक लाइन नीचे आ जाती है तो कंजेशन नहीं दिखता कुछ। हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एफ ई, मतलब फर्स्ट ईयर, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब मैं यहाँ पे एन की वैल्यू ले रहा हूँ इनपुट में। तो हमको पता है अगर हमको कुछ वैल्यू इनपुट पर लेनी होती है, एन क्या एन वेरिएबल जो अपन इनपुट स्टोर कर रहे हैं, वो वेरिएबल नेम कैन बी एनीथिंग, एन पी ए पी एनीथिंग व्हाट वी वांट। हम यहाँ पे एन ले रहे हैं और एन में मैं दे रहा हूँ इनपुट, ठीक है। अभी इनपुट मेरे किस टाइप होगा, इंटीजर टाइप का, तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करना होगा। इंटीजर नहीं होता, कोई कैरेक्टर होता तो हम स्पेसिफाई नहीं करते, हम सीधा इनपुट लिखते हैं। बट बिकॉज अभी यहाँ पे इंटीजर चाहिए, तो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया इंट लिख के। हम यहाँ पे लिखेंगे इनपुट, और यहाँ पे मैंने दे दिया ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी एन की, वो यूजर डिफाइंड वैल्यू होगी, यूजर यूजर देगा। तो मैं एक अपना एरे बना रहा हूँ ए, वहाँ पे एरे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे पूरा अपना एरे लिखा है, यहाँ पे सिर्फ ए लिखना है, ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हैं। एरे इज इक्वल टू लिस्ट ओपन लिस्ट क्लोज। ये मेरे लिस्ट लिस्ट बनाने का सिंटेक्स सही होता है। ये क्या है, ये मेरी एम्प्टी लिस्ट है, ठीक है, दिस इज माय एम्प्टी लिस्ट, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या करूंगा मैं, आई इज इक्वल टू जीरो, अब मैं क्यों कर रहा हूँ मैं दिखाता हूँ, ठीक है। मैं कर रहा हूँ फॉर आई इन रेंज एन, अभी एन क्या है, एन लिखू या जीरो कॉमा एन लिखू, बात एक ही है। एन का मतलब क्या है कि मेरा आई का जो रेंज है वो स्टार्ट होगा जीरो से, ठीक है, जीरो से स्टार्ट होगा और एन से एक नंबर पहले। सपोज अगर एन की वैल्यू मेरी 3 है, तो आई की वैल्यू मेरी होगी 0, 1 एंड 2। एन की वैल्यू अगर मेरी 4 है, तो मेरी आई की वैल्यू स्टार्ट होगी 0 से 0, 1, 2 और 3, 4 में होगी, क्योंकि सिंटैक्स है फॉर लूप का, ये अपन रेंज सेट करते हैं 0 से लेकर एन तक, मतलब क्या, स्टार्टिंग विद 0 एंडिंग नॉट एट एन, वन नंबर प्रायर देन एन, ठीक है, एक नंबर पहले जाएगा एन से। ये लूप का सिंटैक्स हो गया, उन्होंने दे दिया कोलन। मैं लिख रहा हूँ आइटम, ये आइटम हो या मैं आई कुछ भी दे सकता हूँ, ठीक है। अभी आप ये नाम है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। आइटम होगा फ्लोट, अगर आप लोग को पता होगा फ्लोट क्या होता है ना, तो मुझे इंटीजर वैल्यू चाहिए तो 5, 6, 7 इंटीजर वैल्यू होगी, बट अगर मुझे फ्लोट चाहिए लाइक 2.0, 3.6, 5.7, राइट, सो इसलिए मैंने यहाँ पे फ्लोट में लिखा है। तो मैं फ्लोट में लिख रहा हूँ फ्लोट, फ्लोट में मैं लिखूंगा इनपुट, इनपुट स्लैश एन एंटर द परसेंटेज, ठीक है, तो परसेंटेज आएगा यहाँ पे बच्चों का। ये मैंने आइटम में करा दिया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे जो मैं आइटम की जो वैल्यू होगी ना इनपुट में, वो मैं चाहता हूँ कि मेरे एरे में आ जाए, वो मेरे एरे में आ जाए। अच्छा, ये आई इक्वल टू जीरो में यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, देखो दो तरीके, या तो मैं आई इक्वल टू अगर यहाँ पर जीरो लिख रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पर डिफाइन नहीं करना, ठीक है। आई इक्वल टू जीरो मतलब मैं बता रहा हूँ कि आई की वैल्यू स्टार्ट होनी है जीरो से, मुझे ये आई इक्वल टू जीरो लिखूंगा मैं क्या करूँगा, मैं आई यहाँ पे नहीं लिखूंगा, मैं यहीं पर लिख दूंगा जीरो। तो मेरी मर्जी है, दो तरीके होते हैं, आप आई इक्वल टू जीरो कर दो या तो हम जीरो से एंड कर दो, यहाँ पे एक लाइन में काम हो रहा है। तो ये हो गया अभी, तो अभी आई क्या मेरा यहाँ पे आई एज इंडेक्स काम कर रहा है। तो मैंने क्या किया, आइटम में मैंने फ्लोट वैल्यूज ले ली और मैं वो अपेंड करूंगा, अपेंड किसको करूंगा, इस लिस्ट को। और इस अपेंड अपेंड करना मतलब क्या होता है, अगर लिस्ट में कुछ चेंज करना है तो उसे अपेंड करना कहते हैं। तो मैं कैसे उसको चेंज करूंगा, उसका सिंटेक्स होता है ए, ए मतलब लिस्ट का नाम, लिस्ट का नाम जो भी है, ए डॉट अपेंड और ब्रैकेट में वो आइटम या वो वैल्यू जो आपको अपेंड करानी है। तो यहाँ मुझे कौन सा वैल्यू अपेंड कराना है, आइटम, ठीक है, जो मैं आइटम में स्टोर करूंगा। सपोज आइटम में पहला 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 नंबर आएगा 55%, तो ये जो आइटम में 55% आया ना, वो मुझे अपेंड करवाना है लिस्ट ए में। मैंने लिखा ए डॉट अपेंड और आइटम का, मुझे एग्जाम में पूछा लाइक व्हाट इज दिस, यहाँ पे आपने अपेंड के यूज किया है। तो मैं बोलूंगा सर सिंटैक्स है, मुझे अगर कोई लिस्ट में वैल्यूज चेंज करानी होती है तो
मैं अपेंड यूज करता हूँ। अपेंड से क्या होता है, मेरी लिस्ट में वैल्यूज अपडेट करता हूँ। यहाँ पे मैंने अपडेट की मेरी लिस्ट जिसमें मैंने फर्स्ट डाला आइटम, ये हो गया। उसके बाद मैं करूंगा, ये मेरी एक लिस्ट तैयार हो गई जिसमें मैंने क्या किया है, बच्चों के परसेंटेज लिए। इसको प्रिंट करा के देखता हूँ, प्रिंट ए, इसको मैं प्रिंट करूंगा, रन कराऊँ। हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैं डाल रहा हूँ 2 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। टोटल परसेंटेज 33 12। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने नंबर डाला 33 क्योंकि मैंने यहाँ पे फ्लोट यूज किया था। 33.0 और 12.0 इसलिए हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे फ्लोट यूज किया था। अगर मैं यहाँ पे इंट यूज करता तो यहाँ पे 33.0 नहीं होता, 33 होता, सिर्फ 12 होता। और ये दो बार क्यों लिया, ठीक है। अगर मुझे ने पूछा कि आप मुझे बताओ यहाँ पे लूप क्यों यूज किया, ठीक है। तो लूप मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को अगर मैं यहाँ पे दो वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है, एन की वैल्यू अगर मेरी दो है, यहाँ पे ज्यादा मैंने दो, ठीक है, तो आई वॉन्ट कि मेरा लूप दो बार रन करे। मैं बार बार मेहनत नहीं कर सकता। अगर मैंने लूप रन नहीं किया तो मुझे खुद एक लाइन टाइप करनी होगी, इंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3। अगर मानो मेरे क्लास में 100 बच्चे हैं, मुझे 100 बार प्रिंट करनी पड़ जाएगी। तो सो मैंने वो अपने एफर्ट कम करने के लिए मैंने यहाँ पे लूप यूज किया है। लूप में मैं स्टार्ट बता रहा हूँ कि मेरा रेंज स्टार्ट, मेरा जो रेंज है लूप का, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से। सपोज अगर मुझे लूप 100 बार रन करवाना है तो स्टार्ट करूंगा 0 से और जाऊंगा 99 तक। 1 से 100 100 नंबर होते हैं, 0 से 99 पे 100 नंबर ही होते हैं। तो मैंने यहाँ पे लूप मेरा स्टार्ट किया 0 से इंड के 99 नंबर पे। तो मेरा जो लूप है 99 टाइम्स रन होगा और 99 टाइम्स मेरी वैल्यू देगा और मेरी लिस्ट लिस्ट बन जाएगी। यहाँ तक क्लियर है, अपन आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट टाइम हमने क्या किया, इसके बाद देखते हैं कोड में क्या किया हमने, ठीक है। यहाँ पे अपेंड करा लिया यहाँ तक वैल्यू, फिर लिखा है यू हैव एंटर्ड द फॉलोइंग स्कोर्स एरे। इन्होंने प्रिंट यहाँ पे कराया, जो हमने प्रिंट यहाँ पे कराया ना, ये हमने प्रिंट करा दिया। मतलब बस एक लाइन लिख दी है एरे से पहले। अब ये लाइन मैं चाहूँ तो ऐसे भी ले सकता हूँ, उन्होंने दो दो लाइन यूज किया, अपन ऐसे लिख सकते हैं यू हैव एंटर्ड द स्कोर, फिर मैं अपना एरे प्रिंट करा दूंगा। तो ये भी वही वैसे काम कर रहा है जैसे उनका काम कर रहा है। रन करा के देखता हूँ, इसको मैंने रन किया, मैंने डाला 2 स्टूडेंट्स, पहले का मार्क्स आया 12, दूसरे के 13। तो देखते यू हैव एंटर्ड द स्कोर 12 13, है ना। तो जो लाइन उन्होंने प्रिंट कराई थी हमने भी की, पसंद क्या किया, डबल कोट्स में जो लाइन को प्रिंट करानी है वो लिखा, कॉमा दिया और कॉमा के बाद मैंने ए लिख दिया। और यहाँ पे ए क्या है, ए मेरा ये लिस्ट है, लिस्ट बोल लो या एरे बोल लो, एरे यहाँ पे उन्होंने नाम एरे दिया, ठीक है। बट है ये लिस्ट याद रखना, ये एरे है नहीं, इसका नाम एरे है, बट ये एरे है क्या, नहीं है। चलो आगे, तो क्या करूँ मैं, यहाँ पे मैंने ऑनलाइन प्रिंट किया द सॉर्टेड स्कोर यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट। मतलब यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल किया, ये ना सिलेक्शन सॉर्ट को कॉल किया, बबल सॉर्ट को कॉल किया, ठीक है। और उसको डिफाइन मैंने यहाँ पे किया है। फिर से बता दूँ, जैसे अगर मैं जब फंक्शन की बात करता हूँ, तो जैसे फंक्शन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे दो टर्म्स होते हैं, एक होते हैं डिफाइनिंग, एक होता है कॉलिंग। तो यहाँ मैंने कॉल किया, तो समझो ये होने के बाद मैंने इसको कॉल कर दिया। कॉल किया मैंने ऐसे बी सॉर्ट, मैं बबल सॉर्ट को बी सॉर्ट लिखा हूँ, बी सॉर्ट और ब्रैकेट में लिखा मैंने जो मुझे अपेंड करानी है, ठीक है। बी सॉर्ट में मैंने दे दिया मैंने ए, मेरा ए क्या है, ए मेरी लिस्ट का नाम है, ठीक है। ए लिस्ट में जो वैल्यूज है, सपोज ये जो मेरे 12 13 है, इसको मुझे सॉर्ट करना है। अब यहाँ पे तो 12 13 सॉर्टेड है, बट ऐसा जरूरी थोड़ी कि मुझे सॉर्टेड ही हो सकता है, वैल्यूज कुछ भी हो सकती है ना, 9 10 11 5 1। तो मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा वैल्यूज है इस लिस्ट के अंदर वो सॉर्टेड हो जाए असेंडिंग ऑर्डर में। तो मैंने सॉर्ट कॉल कर लिया, मतलब फंक्शन को कॉल किया, अपन डिफाइन करते हैं फंक्शन को, ठीक है। फंक्शन मैंने डिफाइन किया, अच्छा पहले फंक्शन देखते हैं उसमें किया क्या, बबल सॉर्ट यहाँ पे, ठीक है। बबल सॉर्ट में दो चीज पैरामीटर में दो चीज़ दी है मैंने, एक दिया मैंने एरे और एक दिया मैंने साइज, ठीक है। एरे एरे क्या है मेरा, यहाँ पे लिस्ट का नाम है, और एन क्या है साइज, ठीक है। दो जो पैरामीटर मुझे लगने वाले थे मैंने दे दिए, तो यहाँ पे एरे और एन दिया, एरे की वैल्यू यहाँ पे है। अच्छा ये एरे को मैंने एरे नहीं लिखना है, जरूरी नहीं कि मैं एरे ही लिखूँ, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं आपको जब दिखाऊंगा रन करके तो मैं बताऊंगा। इसके लिए मैं यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं डेफ, पहले मैं लिख लेता पूरा कोड एक बार। जैसे यहाँ पे इन्होंने एरे लिखे, मैं काम करता हूँ, मैं एरे को डाक में बी लिखता हूँ, ठीक है, और एन की वैल्यू है। पर यहाँ पे एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे का नाम डबल सॉर्ट है, मैंने कॉल किया बी सॉर्ट को तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। मुझे इसका नाम बी सॉर्ट ही करना पड़ेगा, तो मैं इसको हटाता हूँ बी सॉर्ट, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे दो पैरामीटर, यहाँ पे एक ही पैरामीटर, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगर दो पैरामीटर दिए, हम दो पैरामीटर देने पड़ेंगे, तो मैं ए कॉमा एन, ठीक है। यहाँ पे मेरी ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मेरा ए क्या, ये मेरा लिस्ट है, यहाँ पे मेरा एन क्या है, एन ये मेरा जो साइज है, जितने नंबर ऑफ बच्चे थे वो। मैं क्या कर रहा हूँ, आई का लूप में रन करा रहा हूँ, लेंथ ऑफ एरे माइनस वन। अभी लेंथ ऑफ एरे क्या है, एग्जामिनर ने मुझे पूछा, अच्छा पहले तो मैं बताता हूँ फंक्शन को, अगर ये पूछा एग्जामिनर ने ये क्या है, मैं बोलूंगा सर मैंने फंक्शन को डिफाइन किया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉल किया, दिस इज कॉलिंग ऑफ द फंक्शन, जहाँ पे मैं उनको बुला रहा हूँ, आवाज दे रहा हूँ कि भाई मेरा ये लिस्ट तैयार है, प्लीज इसको सॉर्ट कर दो। और ये क्या मैंने डिफाइन किया है कि भाई फंक्शन में काम क्या, क्या फंक्शन करेगा, फंक्शन क्या चीज करेगा, है ना, वैल्यू लेगा, सॉर्ट करेगा, प्लस करेगा, माइनस करेगा, क्या करेगा, वो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ कि जो वैल्यूज मैंने लिए यहाँ पे, उसका एक मैंने रेंज दिया आई और जे, ठीक है। ये डेफ कीवर्ड होता है, बी सॉर्ट मेरे फंक्शन का नाम है और बी और एन मेरे पैरामीटर लिस्ट है, आर्गुमेंट लिस्ट। तो मैं यहाँ पे दो लूप दे रहा हूँ, एक आई का लूप, एक जे का लूप, ठीक है। और मैं लेंथ ऑफ एरे, अभी लेंथ ऑफ एरे क्या होता है ना, लेंथ ऑफ एरे एक पाइथन में पूछा गया लेंथ ऑफ एरे, लेंथ लिखा है लेंथ, उसको एक्चुअल में है लेंथ। तो लेंथ ऑफ एरे क्या काम करता है, सपोज मेरे एरे में चार वैल्यूज है, ठीक है। तो जब मैं लेंथ ऑफ एरे यूज करूंगा तो मुझे प्रिंट करा देगा उसका लेंथ, मतलब चार, ठीक है। तो ये काम होता है लेंथ का, समझ में आपको। अगर सपोज मेरे एरे में है 0 1
2 3, अगर मेरे लिस्ट में ये चार वैल्यूज है और मैंने अगर ऐसे किया प्रिंट प्रिंट करा दिया मैंने लेंथ ऑफ ए, ठीक है लेंथ मान लो ये जो मेरा ए लिस्ट के अंदर सारे वैल्यूज थे, जैसे मैं लेंथ ऑफ ए प्रिंट करूंगा ना तो मुझे क्या आ जाएगा, मुझे वैल्यू मेरे को चार प्रिंट हुआ मिल जाएगा, ठीक है ये बताता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेंथ ऑफ एरे माइनस वन, सपोज कि आपके लेंथ में मान लो चार एलिमेंट थे, तो मेरे को बताओ यहाँ पे एक्चुअली नंबर क्या आएगा, 4 माइनस 1 आएगा राइट, यहाँ पे नंबर क्या आएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, मतलब यहाँ पे फॉर आई इन रेंज यहाँ पे एक्चुअली 3 लिखा हुआ है ना, इसको मैं ये लिखूँ या 3 लिख दूँ राइट, डिपेंड करता है क्यूब की साइज कितनी है, मैंने एग्जाम्पल के लिए 4 लिया था, मान लो लेंथ 4 है यहाँ पे वैल्यू क्या है 3, जब वैल्यू 3 है तो मुझे बताओ इंडेक्स इंडेक्सिंग कहाँ से होगी, इंडेक्स होगी 0 से फिर 1 फिर 2 राइट, 3 होगी क्या, नहीं, यहाँ पे अगर वैल्यू 3 है तो ये मुझे याद रखना है जब मैं लूप में लिखता हूँ 3 तो ये वैल्यू स्टार्ट होगी 0 से, ठीक है कुछ भी हो जाए, अगर मैंने लिखा नहीं स्टार्ट कहाँ से करना है तो 0 से स्टार्ट होगा, मैंने डिफाइन किया है स्टार्ट कहाँ से करना है तो अलग बात है, यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 लिखा है, जैसे ये दिखा था मैंने यहाँ पे जो फॉर लूप यूज किया था, हमने 0 कॉमा n लिखा था, मतलब क्या स्टार्ट हो रहा है 0 से, अगर मैं कुछ नहीं लिखता तो भी स्टार्ट होता 0 से, अगर मैं ऐसे लिख दूं 1 कॉमा n इसका मतलब क्या स्टार्ट होगा 1 से, ठीक है 1 2 3 के लिए मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, बट 0 के लिए आई डोंट नीड टू डिफाइन, वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, अगर यहाँ पे वैल्यू 3 है तो स्टार्ट कहाँ से होगा 0 देन 1 देन 2। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, अच्छा पहले ये समझना बबल सॉर्ट में होता क्या है, ठीक है बबल सॉर्ट में यहाँ पे दिखाता हूँ बबल सॉर्ट में बबल सॉर्ट काम कैसे करता है, तो लेट्स सपोज मेरे पास ये एक मेरा एरे में बोलो लिस्ट है मेरे पास, ठीक है और ये मैंने यहाँ पे इंडेक्सेस लिखे हुए, तो ये मेरा इंडेक्स 0 है इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3, तो मेरा इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू है मैं एक बार वैल्यू लिख देता हूँ फटाफट, ठीक है तो मान मेरे पास ये वैल्यूज है ठीक है 45 40 माइनस 4 11, तो इंडेक्स क्या है 0 1 2 3, तो बबल सॉर्ट मेरा काम कैसे करता है ना, बबल सॉर्ट मेरा हमेशा 2 इंडेक्स पे काम करता है, एक ये मेरा प्रीवियस इंडेक्स ठीक है, अगर ये मेरा प्रीवियस है तो एक प्रीवियस प्लस वन मतलब ये इंडेक्स, तो मतलब जब इसी कंपेयर करूंगा तो मैं किस किस को लूप मतलब किस कौन से 0 और फर्स्ट पे काम कर रहा हूँ, फिर एक जब ये काम हो जाएगा मतलब 45 पे जब मेरा काम हो जाएगा तो जब मेरा करंट एलिमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 40 के 40 पे आ जाएगा, ठीक है 40 पे आएगा और फिर ये और ये नेक्स्ट इस इन इन दोनों पे काम चल रहा होगा मेरा, फिर वो शिफ्ट होगा यहाँ पे आ जाएगा और इन दोनों पे काम चल रहा होगा, ठीक है इतना ही होता है कि बबल सॉर्ट में नहीं, सिर्फ इतना ही होता और क्या होता है इसके अलावा, सपोज पहले क्या करेगा बबल सॉर्ट मेरा, बबल सॉर्ट मेरा आएगा पहले 45 पे ठीक है, और चेक करेगा कि जो नेक्स्ट वैल्यू है मतलब 0 इंडेक्स पे 45 है तो फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है 40, क्या वो नंबर छोटी है 45 से मतलब इससे छोटी है इससे बड़ी है, इससे बड़ी है, देखो मेरे को अरेंज कैसे करना है, मेरे को स्मॉलेस्ट यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर आएगा स्मॉल ठीक है और यहाँ पे आएगा ऐसे और यहाँ पे आएगा लार्ज, यहाँ पे आएगा लार्जेस्ट नंबर, तो मुझे ऐसे इसको ये करना है शॉर्ट करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ 45 और 40, तो ये मुझे शॉर्ट कर, तो ये नंबर छोटा है तो यहाँ पे क्या होगा स्वैपिंग होगी, ठीक है जब ये कंडीशन मैं ऐसा लूप लिखूंगा अगर मेरे लूप में ये नंबर ये बड़ा है ये छोटा है तो यहाँ पे स्वैपिंग होगी 40 ऊपर आ जाएगा 45 नीचे आ जाएगा, ठीक है और फिर उसके बाद क्या होगा ये मेरा जो करंट वैल्यू है शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, पर अपन कोड देखते हैं कोड में कैसे लिखे, देखो कोड में सॉरी कोड में क्या लिखा है, आई का रेंज लेंथ ऑफ एरे माइनस वन और लेंथ ऑफ एरे माइनस वन, ठीक है अभी माइनस वन की अपन आगे देखते हैं पर पहले अपन ये वाला पार्ट देखते हैं कोड का, तो मैं क्या कर रहा हूँ कोड में मैं चेक कर रहा हूँ अगर जे एलिमेंट पे, ठीक है जे एलिमेंट पे जो मतलब जे इंडेक्स पे जो मेरा एलिमेंट है और जे प्लस वन इंडेक्स पे जो मेरा एलिमेंट है, ठीक है यहाँ पे बताओ मुझे जे कौन सा है जे प्लस वन कौन सा है, अगर ये मेरा जे है तो ये जे प्लस वन होगा राइट, अगर ये मेरा जे है तो ये जे प्लस वन होगा और ये अगर मेरा जे है तो ये जे प्लस वन होगा राइट, एक बार मैं इसको उठाता हूँ मेरे को, तो ये मेरा अगर जे है तो ये क्या होगा मेरा जे प्लस वन राइट, उसके बाद नेक्स्ट लूप में मेरा ये जे हो जाएगा ये वाला, नेक्स्ट लूप में मेरा ये जे हो जाएगा, ऐसे आगे आगे बढ़ेगी बात, तो मैं क्या कर रहा हूँ उस कोड में मैं कर क्या रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ इसमें देखो मैं अगर ये बात सत्य है अगर ये कंडीशन टू है मतलब जे इंडेक्स पे जो मेरा वैल्यू है वो बड़ा है जे प्लस वन से, मैं क्या करूंगा टेम्प की वैल्यू एआर ऑफ जे मतलब टेम्प टेम्प नाम का एक वेरिएबल है इसमें स्टोर कर दूंगा एआर जे की वैल्यू, सपोज एक एग्जांपल देखते हैं मान लो कि एआरआर ऑफ जे में, तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा एआरआर ऑफ जे में मेरा वैल्यू 40 और जे प्लस वन में 31, मान लो जे की वैल्यू थी 0, अगर जे की वैल्यू 0 है तो जे प्लस वन की वैल्यू क्या होगी 0 प्लस 1 1 राइट, तो मेरा लिस्ट की 0 इंडेक्स पे ये नंबर है फर्स्ट इंडेक्स पे ये नंबर है राइट, अब क्या होगा ये लूप लूप में चेक होगा कि एआरआर ऑफ जे बड़ा है क्या जे प्लस 1 से, हाँ बड़ा है ठीक है 40 बड़ा 21 छोटा है, तो ये मुझे इसी नहीं चाहिए ये तो रॉन्ग हो गया, मुझे 0 इंडेक्स में फर्स्ट छोटी वैल्यू चाहिए, ठीक है मतलब सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी 0 इंडेक्स पे होगी, जो उससे बड़ी होगी फर्स्ट पे होगी, जो उससे बड़ी होगी सेकंड पे होगी, जो उससे बड़ी होगी थर्ड पे होगी, तो ये तो मेरा लूप रॉन्ग हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा स्वैप करूंगा, स्वैपिंग कैसे किया मैंने टेम्प की वैल्यू एआरआर ऑफ जे, तो मैंने क्या किया यहां पे टेम्प की वैल्यू मैंने कर दी एआरआर ऑफ जे, एआरआर ऑफ जे में क्या है एआरआर ऑफ जे में क्या स्टोर है 40, तो टेम्प की वैल्यू क्या हो गई अभी 40 हो गई, फिर मैंने एआरआर ऑफ जे अच्छा टेम्प की वैल्यू 40 हुई, ठीक है इसकी वैल्यू अभी भी यही है 40 ही है, अब मैंने क्या किया एआरआर ऑफ जे, जे की वैल्यू कर दी जे प्लस वन, तो
मतलब एरर जे क्या था 0, तो इसकी वैल्यू क्या होगी जे प्लस 1, जे प्लस 1 वाली क्या वैल्यू क्या थी 31। देखो इक्वल टू के जो इस तरफ होता है ना उसकी वैल्यू असाइन होती है, और इक्वल टू के जो इस तरफ होता है उसको वैल्यू असाइन होती है, तो इसकी वैल्यू असाइन होगी इसको, ठीक है, राइट साइड वाले की वैल्यू असाइन होगी लेफ्ट साइड वाले को। तो ए आर आर जे को असाइन हुई जे प्लस 1 की वैल्यू, मतलब जे की वैल्यू क्या हो जाएगी अभी जो जे प्लस 1 की थी 31 हो जाएगी। तो मतलब मुझे क्या होगा मेरा ए आर आर ऑफ जे, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जे की वैल्यू हो जाएगी मेरी 31, राइट, और ए आर आर जे प्लस 1 की वैल्यू हो जाएगी 10। ए आर आर जे प्लस 1 की वैल्यू हो जाएगी 10, टेम की वैल्यू क्या थी 40 थी, राइट, ये थी 10 की वैल्यू। तो 10 की वैल्यू को कहां पे असाइन की मेरे जे प्लस 1 को, तो जे प्लस 1 की वैल्यू हो गई 40। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अब जे की वैल्यू 31 हो गई, मतलब जे की 31 और जे प्लस 1 की वैल्यू 40, मतलब ये मेरा स्वैप हो गया, जो मुझको चाहिए था हो गया, छोटा वाला नंबर यहाँ पे आ गया, बड़ा वाला नंबर आगे चला गया। तो ये बस यही चीज करना है हमें पूरे कोड में, और ये उसके अंदर क्या किया, ये पूरे पूरा लूप रन हो जाएगा, तो मैंने प्रिंट करा दिया मेरे एरे को, ठीक है। इसके बाद टॉप फाइव को बाद में देखते हैं, पहले यहाँ तो देख लेते हैं। अच्छा ये माइनस वन क्यों लिखा हमने, देखो माइनस वन इसलिए लिखा यहाँ पे हमने कि देखो पहले यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, तो समझो ये मेरे एलिमेंट्स हो रहे, ठीक है। तो मैंने कोड में क्या लिखा है, मैंने कोड में ऐसा लिखा हुआ है, देखो मेरे मेरी कंडीशन क्या है, अगर ए आर आर जे की वैल्यू जे प्लस 1 होगी, मतलब यहाँ पे वापस आ रहा हूँ प्रिंट में, यहाँ पे क्या है एक साइड मैंने जे लिखा हुआ है, मेरे ब्रश यहाँ पे एक साइड मैंने लिखा है जे, ठीक है, ये मेरा एक साइड मैंने लिखा है जे, और एक लिखा है मैंने जे प्लस 1, ठीक है, जे प्लस 1। तो मुझे बताओ जब जे की वैल्यू 0 होगी है ना, जे प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी 1, जब जे इसकी वैल्यू 1 होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2, इसकी वैल्यू अगर 3 होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी 4, ठीक है। अब जे की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, अगर समझो अगर मैंने वहाँ पे मैंने ये नहीं लिखा, माइनस वन नहीं लिखा, ठीक है, तो मेरी वैल्यू कहाँ तक जाएगी 3 तक जाएगी, और यहाँ पे 4 हो जाएगा। मतलब अगर मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे अगर मैंने माइनस वन अगर मैं नहीं लिखता, लेंथ ऑफ एरे रहने देता बस, ठीक है, तो लेंथ ऑफ एरे मेरा क्या होता, इसका लेंथ ऑफ एरे क्या है जो मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे लेंथ ऑफ एरे 4 है ना, 1 2 3 4, लेंथ ऑफ एरे 4 है, तो लेंथ ऑफ एरे 4 है, तो अगर मैं यहाँ पे फॉर लूप में अगर 4 लिखूंगा, तो मैंने बताया ना फॉर लूप में अगर 4 होगा तो वैल्यू हो जाएगी 0 1 2 एंड 3, कभी 4 नहीं होगी, है ना, समझ आया यहाँ तक। तो 0 1 3 मेरे पास वैल्यू भी उतना ही है, मेरे 0 वैल्यू पे इंडेक्स है, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, ठीक है, मतलब इस इतने इंडेक्स में मेरी वैल्यू स्टोर्ड है, राइट। बट यहाँ पे कोड में क्या हो रहा है, जब जब 3 हो रहा है ना, तो जी प्लस 1 की वैल्यू 4 हो रही है, पर 4 तो ही है ना मेरे कोड में, 4 है क्या यहाँ पे, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, कहीं नहीं दिख रहा, राइट, इसलिए मैंने माइनस 1 कर दी वैल्यू, माइनस 1 अगर कर दी मतलब क्या, मेरा लेंथ कितना था, लेंथ था मेरा 4, ठीक है, लेंथ मेरा 4 था, मैंने 4 को डाला यहाँ पे, 4 माइनस 1 किया, 4 माइनस 1 कितना होता है 3, है ना, लेंथ माइनस 1 किया ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखा मैंने लेंथ ऑफ एरे माइनस 1, तो इससे मेरी वैल्यू क्या होगी 3। जब ये 3 लूप में आई, जब ये लूप लूप में आई ये 3, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, राइट, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। तो उससे क्या करूंगा मैं, जब इसको मैं कोड में यूज करूंगा, यहाँ पे वापस जा रहा हूँ मैं कोड में ही, तो पहले यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या होगी, सपोज मेरी वैल्यू है 3, ठीक है, 3 नहीं मतलब यहाँ पे लेंथ की वैल्यू 4 है, लेंथ 4 है, तो मेरा लेंथ माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, और मेरी इंडेक्स कैसे होगी, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, राइट। पर मेरे पास इंडेक्स 2 तक ही है क्या, नहीं, मेरे पास 3 भी है, मेरे पास है ना, मेरे पास 3 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं क्या कर रहा हूँ कि जब यहाँ पे मेरी वैल्यू 2 होगी, 1 के बाद जब यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, जब यहाँ पे वैल्यू 2 होगी मेरी, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, तो जब मेरी वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू 3 होगी, ठीक है, और यहाँ पे मेरा लूप खत्म होगा, मतलब ये वैल्यू यही तक होगा। तो इससे क्या होगा, मेरे को एरर नहीं आएगा, मेरा स्कोप आउट ऑफ स्कोप का एरर नहीं आएगा मेरे को, क्योंकि मैंने जितने स्कोप थे उतने इंडेक्स भरे। आई होप समझ में आ गया होगा, इससे मैंने यहाँ पे क्यों यूज किया, जब मैंने जे अगर लेंथ माइनस 1 नहीं किया था तो क्या होता, जब इसकी वैल्यू 3 होती तो यहाँ पे वैल्यू 4 हो जाता, और वो एरर देता, जब इसकी वैल्यू 3 होती और उसका वैल्यू 4 होता तो क्या हो जाता, ये जो ये होता एरर, ठीक है, क्योंकि अपने पास ऐसा कोई 4 इंडेक्स वैल्यू है ही नहीं, तो हमने क्या रखा, लेंथ लेंथ का जो रेंज था वो रख दिया, लेंथ का रेंज रखा तो ये 3 था, तो क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा, 3 तो होगा ही नहीं कभी, और उसकी वजह से, और लेकिन 3 है, ऐसा नहीं 3 पे स्टोर नहीं है, हमने जबरदस्ती जानबूझ के किया ताकि जब जे प्लस 1 करूँ तो मेरे को लास्ट वैल्यू 3 मिल जाए, और 3 से मेरा काम हो जाए, और आगे इससे प्रॉब्लम ना हो मेरे को, ठीक है। ये यहाँ पे मेरा लूप रन हो गया मेरा बबल सॉर्ट का। दूसरा क्या है, सिलेक्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, अभी इसका इसका भी देखो, इसका भी सिंपल है, इसमें क्या किया मैंने, देख लेते हैं सिलेक्शन सॉर्ट होता क्या है। तो ये है मेरा एक एग्जांपल, ये मैंने एक बनाया हुआ लिस्ट, ठीक है, लिस्ट या ना बोलो एरे, एरे होता नहीं है, हमने नाम दिया एरे, बट है ये लिस्ट, लिस्ट में मेरे कितने वैल्यूज है भाई, 1 2 3 4 5 वैल्यू है 5, इसकी लेंथ कितनी होगी रे, इसकी लेंथ होगी 5, ठीक है, लेंथ होगी 5, लेकिन इंडेक्सिंग 5 जाएगी क्या, नहीं, क्योंकि हमने स्टार्ट किया 0 से, तो मेरा इंडेक्सिंग 4 तक ही जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अपना ये नाम क्या, इसका इसका नाम है सिलेक्शन सॉर्ट। इसमें क्या होता है ना, अपन स्टार्ट करते हैं इस एलिमेंट से, जो जीरो जीरो एलिमेंट पे होता है, ठीक है, जीरो प्लेस पे जो एलिमेंट होता है उससे स्टार्ट करते हैं ये इससे, और इसको 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 कंपेयर करते हैं इतने इतने बड़े लूप से कंपेयर करेंगे, ठीक है, मतलब इसको कंपेयर करेंगे 30 से, है ना, फिर 20 से, 10 से और 40 से, और क्या करेंगे,
चेक करेंगे कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है यहाँ पे इस लूप में, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 10। तो क्या करेंगे, 10 को रिप्लेस करेंगे 70 की जगह, ठीक है, और 70 को रिप्लेस करेंगे 10 की जगह। मतलब अगर जब लूप का एंड होगा तो लूप एंड होते होते क्या हो जाएगा, बना के दिखाता हूँ, लूप एंड होते होते यहाँ पे हो जाएगा 10। यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू मेरी, लिखता हूँ मैं यहाँ पे, सॉरी, तो हो जाएगी मेरी वैल्यू 10, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 70, ठीक है। तो ये मेरा लूप एंड हुआ। अब क्या होगा, ये जो मेरी वैल्यू थी, ये जो ये इसको हटाता हूँ, साफ कर, थोड़ा गंदा दिख रहा है। इसके बाद क्या होगा, पहले मैं इसको कंपेयर किया था, अब मैं इसको कंपेयर करूंगा, ठीक है। अब इसको कंपेयर करूंगा किससे, पूरे लूप के साथ। तो मैं इसको कंपेयर करूंगा अपने इस पूरे लूप से, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कंपेयर करूंगा, और इससे जो भी छोटी वैल्यू होगी, ठीक है, कंपेयर करूंगा इससे, इससे इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, इससे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, थोड़ी से स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे 20, 70, 40। तो सब, तो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, जो इससे छोटी है, वो क्या है, 20। तो क्या करूंगा, मैं रिप्लेस करूंगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 20, है ना, और 30 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब अगर जो मैं नया लूप बना होगा, नया लूप में कैसे होगा, नया लूप की वैल्यू कुछ ऐसे होगी। पहला पार्ट खत्म हुआ, अब क्या होगा नेक्स्ट लूप में, अब मेरी कंपेयर करूंगा मैं इस वैल्यू को, है ना, इस वैल्यू को कंपेयर करूंगा इस सारे सारे यहाँ पे जो भी एलिमेंट है सबसे, और फिर यहाँ पे देखूंगा ऐसा कोई छोटी वैल्यू है क्या, 70, 40, 30 से कंपेयर किया। देखो स्मॉल प्लस में कुछ स्मॉल वैल्यू से कुछ नहीं करना, इससे इस नंबर से छोटी होनी चाहिए। इसके लास्ट प्लस में 70 था, तो 10 से छोटा था, 30 हुआ तो 20 से छोटा था, यहाँ पे 7, यहाँ पे 30 है, 30 से छोटा कुछ नहीं है, 40 है, 70, 40 में 40 छोटा है, बट 30 से छोटा है क्या, नहीं। तो अपन आगे बढ़ेंगे इस पीस एलिमेंट पे, इससे कंपेयर करेंगे, इसका आगे क्या बचा, 40, 40 छोटा है क्या इससे, है, तो वापस क्या करेंगे, स्वैपिंग करेंगे, 70 की जगह 40 आएगा, 40 की जगह 70 आएगा, और जो लास्ट लूप होगा उस लास्ट लूप में 10, 20, 30, 40, 70 अपना एक लूप तैयार हो जाएगा, जो एकदम सॉर्टेड रहेगा, ठीक है। अब इसको कोड में देखते हैं, कोड में कैसे किया, कोड में क्या किया हमने, हमने एक लूप बनाया आई का लूप, ठीक है, और आई का लूप दिया लिट एन। अभी एन का मतलब यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग होगा 0 से जाएगा एन तक, है ना, एन माइनस 1 तक, सॉरी एन तक नहीं जाता कभी। अभी मिनिमम की वैल्यू रख दी मैंने आई, तो मैं बताओ मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, सब पहले लूप में मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, है ना, पहले मिनिमम, पहले लूप में मिनिमम की वैल्यू होगी 0, ठीक है। सेकंड लूप में 1 हो जाएगी, थर्ड लूप में 2, सॉरी सॉरी उसके बाद 4। और हमने देखो यहाँ पर भी यही किया हमने, हमने पेन में भी क्या किया, फर्स्ट लूप में मिनिमम वैल्यू कौन सी थी, सबसे पहले मिनिमम वैल्यू थी ये वाली, ठीक है, पहले हमने इसको कंपेयर किया, ठीक है, इसको कंपेयर करने के बाद नेक्स्ट लूप में अपन ने इसको कंपेयर किया, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। तो मैं अपने वैल्यू बढ़ा रहा हूँ ना, इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, पहले यहाँ पे क्या था, मेरी वैल्यू 0 थी, और यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे क्या होगी वैल्यू 4। तुम्हें जाना कहाँ तक है, यहाँ तक जाना है, ठीक है, इस 70 तक जाना है, मतलब 3 तक जाना है मेरे को। तो यहाँ कोड में देखते हैं, कोड में कैसे किया है, तो कोड में कैसे किया मैंने, आई की वैल्यू क्या रखी मैंने, पहले आई की वैल्यू होगी 0, मतलब पहले लूप में आई की वैल्यू 0 होगी, और जे का रेंज क्या दिया, आई प्लस 1, मतलब क्या, इसका मतलब ये, हम देखो हमने पेन में भी वैसे किया है, जब आई की वैल्यू 0 होगी, है ना, जब हमने आई की, इसको मैं थोड़ा साफ करता हूँ, ठीक है, मतलब जब आई की वैल्यू होगी 0, है ना, मतलब समझो आई की वैल्यू अगर 0 है, तो अपने को जे का लूप क्या होगा, 0 प्लस 1 से लेके यहाँ तक, देखो हमने ऐसे बनाया था। फिर जब जाके 30 होगी, मतलब आई की वैल्यू 1 हो गई, है ना, 1 हो गई, मतलब फोर्थ इंडेक्स में आ गई, तो जे का लूप क्या होगा इसके बाद, मतलब इस यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब आई से एक ज्यादा, राइट। तो यहाँ पे हमने वही किया है, हमने इस लूप को एक एक ज्यादा रखा है हमेशा आई से, और एंड हमेशा उधर ही किया है, यहाँ पे एंड इसको किया था, एंड का एंड पॉइंट सेम ही है। फिर मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, स्वैपिंग किया यहाँ पे, अगर एरे ऑफ जे, ठीक है, एरे ऑफ जे अगर छोटा है, एरे ऑफ मिनिमम, अच्छा ये वाला पॉइंट जरा डांसो पॉइंट है। अच्छा मैंने यहाँ पे क्या बोला, मिनिमम, मिनिमम क्या बोला मैंने आई को, मतलब मेरा आई मिनिमम है, ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ कैसे। पहले देख लो, मिनिमम को मैंने आई बोल दिया, मतलब 0, 0 प्लेस पे, जो फर्स्ट प्लेस पे जो मेरी वैल्यू होगी, सबसे स्टार्टिंग में जो वैल्यू होगी उसको मैंने बोल दिया मिनिमम। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर एरे ऑफ जे छोटा है एरे ऑफ मिनिमम से, एरे ऑफ मिनिमम मतलब क्या, एरे ऑफ 0, यहाँ पे मिनिमम की वैल्यू क्या है, 0, फर्स्ट लूप में मिनिमम की वैल्यू है मिनिमम इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या होगा, एरे ऑफ जे, एरे ऑफ जे मतलब क्या, फर्स्ट इंडेक्स, राइट, क्योंकि जे की वैल्यू स्टार्ट हो रही है आई प्लस 1 से, तो इफ आई इज 0 देन जे इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, क्योंकि अभी मैंने आई प्लस 1 लिखा है, ठीक है। तो जे कंपेयर करूंगा मैं, तो जो वैल्यू होगी जे की और एरे ऑफ मिनिमम की, इन दोनों वैल्यू को मैं कंपेयर करूंगा, मतलब क्या करूंगा मैं, यहाँ पे दिखा रहा हूँ पेंट में, मैं कंपेयर करूंगा मेरे इस वैल्यू को और मेरे इस वैल्यू को, ठीक है, जो मिनिमम पे है ये मिनिमम पे है और ये जे पे है, मतलब पहली पहली इंडेक्स पे है, इसको जरा वापस साफ कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको कंपेयर किया मैंने, अगर ये सही सत्य है, सत्य है मतलब छोटा है, मिनिमम से भी छोटा है, तो क्या करूंगा, स्वैपिंग करूंगा, मिनिमम की वैल्यू बढ़ा दूंगा, जे कर दूंगा, ठीक है। ये मैं करके दिखाता हूँ यार एक बार, यहाँ ये तो मैं, ये हो गया, यहाँ पे हमारी लिस्ट बन गई 30, 20 और 10 की, ठीक है। अब मैं क्या बता रहा हूँ, मिनिमम की वैल्यू क्या होगी मेरी, पहले लूप वन में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, आई की वैल्यू 0 होगी, आई इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे जो एलिमेंट स्टोर होगा मेरा मिनिमम में जाएगा, मतलब मिनिमम की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। आई इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1, जी की वैल्यू क्या होगी, आई प्लस 1, मतलब जी की वैल्यू होगी 1, स्टार्टिंग होगी 1 से और जाएगी 2 तक, क्योंकि 2 के बाद मेरे पास इंडेक्स है ही नहीं, क्योंकि मेरे एलिमेंट में 3 ही है, 0, 1, 2, ठीक है, 3 तक है, मतलब 2 तक ही जाएगा, क्योंकि अपने को पता है रेंज कैसे काम करते हैं,
अब यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, एरे ऑफ जे। एरे ऑफ जे मतलब क्या, जे की वैल्यू क्या होगी पहले 1, और फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है मेरा 20। तो यहाँ पे क्या आएगा, एरे ऑफ जे 20, 20 इज स्मॉलर देन, 20 अगर छोटा है मेरे मिनिमम से, मिनिमम मेरा मेरा 30। मतलब मैं क्या चेक करने वाला हूँ बेसिकली इस लूप में, मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी 30, ठीक है। अब मैं इस लूप में चेक करूंगा कोई वैल्यू इससे भी छोटी है क्या, जो वैल्यू इससे भी छोटी होगी ना, 30 से भी छोटी, उसको मैं वैल्यू दे दूंगा, मतलब उसको मिनिमम बना दूंगा मैं। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, पहले जाएगी 20 तक, ठीक है, 20 पे जाएगी, 20, 20 छोटी है क्या 30 से, हाँ छोटी है। तो मैं क्या करूंगा, मिनिमम इज इक्वल टू जे, मिनिमम इज इक्वल टू जे मतलब क्या, जे का वैल्यू क्या था यहाँ पे 1, मतलब फर्स्ट इंडेक्स, मतलब मेरी मिनिमम कहाँ पे आ जाएगी, इस इंडेक्स पे आ जाएगी, जिस इंडेक्स पे 20 था, समझ में आया। अब मेरी मिनिमम वैल्यू क्या है 20, बराबर। फिर से लूप में जाएंगे अपन, और यहाँ पे मिनिमम क्या हो जाएगी 20, ठीक है। और एरे ऑफ जे, जे का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, और जे की वैल्यू कहाँ पे जाएगी, 1 के बाद जाएगी 2 पे, 2 पे क्या था 10, ठीक है। अभी मिनिमम की वैल्यू चेंज हो गई है फर्स्ट लूप के बाद, यहाँ पे इस कंडीशन की वजह से क्या हुआ, स्वैपिंग हुआ, और अभी मिनिमम की वैल्यू क्या हो गई मेरी 20। सेकंड लूप में क्या हुआ, एरे ऑफ जे, मैंने एरे की वैल्यू यहाँ पे जे में फर्स्ट इंडेक्स आया था, अभी यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड इंडेक्स आएगा, मतलब ये वाला इंडेक्स, ये वाला इंडेक्स आएगा। मतलब नहीं समझ में आ रहा था, लिख के दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे इंडेक्स क्या है, ये 0 इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, और ये सेकंड इंडेक्स है, बराबर। पहले अपन ने 20 की बात की थी, अभी क्योंकि जे जे का लूप स्टार्ट कहाँ से हुआ था, आई प्लस 1 से। अभी सेकंड लूप, दूसरा लूप चल रहा है, तो ये वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, और अपन नंबर 10 पे आ गए। अभी चेक होगा यहाँ पे 10, ए ऑफ जे की वैल्यू क्या स्टोर है, 10, 10 छोटी है क्या, मिनिमम मिनिमम में क्या है अभी 20, तो छोटी है क्या, हाँ है। तो मिनिमम की वैल्यू किसको मिल जाएगी, यहाँ पे जो वैल्यू सेकंड इंडेक्स में उसको मिल जाएगा मिनिमम का खिताब। तो अब ये मिनिमम है, तो लूप एंड होते होते मुझे मिनिमम मिल गया जो है मेरा 10, यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं, टेम्प की वैल्यू, अभी यहाँ पे मैंने एक टेम्प बनाया, और टेम्प में क्या स्टोर किया मैंने, ए आर आर ऑफ आई। अब ए आर आर ऑफ आई में क्या है, एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई, आई की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, देखो ये ऑरिएंटेशन है ना, इसका मतलब क्या है, ये जो इफ है ना, ये इस फॉर के अंदर है ना, ये मिनिमम इस इफ के अंदर है, बट ये टेम्प ये इफ के अंदर भी नहीं है, फॉर के अंदर भी नहीं है, ये सेपरेट है। मतलब जब ये फॉर लूप परफॉर्म हो जाएगा ना, तब ये परफॉर्म होने वाला है, समझ में आया। तो मैंने टेम्प की वैल्यू क्या थी, एरे ऑफ आई, आई की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। तो टेम्प में क्या स्टोर होगा, टेम्प में स्टोर होगा जो एरे ऑफ आई में था, एरे ऑफ आई में क्या था, एरे ऑफ आई मतलब 0, ठीक है, 30 था, इसमें क्या स्टोर होगा 30। फिर ए आर आर ऑफ आई में क्या स्टोर होगा, ए आर आर ऑफ मिन, मतलब क्या, जो स्टार्टिंग इंडेक्स था, ठीक है, उसमें स्टोर हो जाएगी मिनिमम वैल्यू जो कि 10, हमने याद है ना जब फर्स्ट एग्जांपल किया था, है ना। तो देखो यहाँ पे स्वाइपिंग कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पर हमने मिनिमम की वैल्यू स्टोर कर दी, मतलब ये अगर मैं इस लूप में बताऊँ, ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पे पेंट खोला मैंने, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसकी वैल्यू स्टोर कर दी टेम्प में, ठीक है। ये किधर गया मेरा, ये गया मेरा टेम्प, चलो। अब ये टेम्प यहाँ पे, ये तो ओरिजिनल लूप है नहीं वैसे, ओरिजिनल लूप ये नहीं था, ओरिजिनल लूप क्या था पहले बना लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा ओरिजिनल लूप था, बराबर, ये था मेरा ओरिजिनल लूप। तो यहाँ पे ये वैल्यू कहाँ पे जाएगी, टेम्प में, टी ई एम पी, ठीक है, ये वैल्यू गया मेरा टेम्प के अंदर। अब मैंने इसके अंदर क्या, अच्छा इस मतलब टेम्प की वैल्यू क्या है अभी 70 है ना, टेम्प की वैल्यू क्या है अभी 70, बराबर। अभी मैंने ये इंडेक्स क्या था, ए आर आर ऑफ आई, इसमें मैंने स्टोर किया मिनिमम की वैल्यू, मतलब इसमें कौन सी वैल्यू आ जाएंगी अभी 10 की। ध्यान रखो मैंने टेम्प की वैल्यू बोली है, टेम्प की वैल्यू अभी 70 है, मैं ये नहीं बता रहा टेम्प टेम्प का एड्रेस क्या है, 0 है क्या, 1 है, कुछ नहीं बोल रहा। टेम्प की वैल्यू 70 है, मतलब जो वैल्यू ए आर ऑफ आई में थी, यहाँ पे देखो कोड में लिखा है, जो वैल्यू ए आर ऑफ आई में थी वो वैल्यू चली गई टेम्प के पास, मतलब टेम्प की वैल्यू हो गई 70, जो आई में थी वो चली गई मिनिमम के पास, ठीक है। तो मिनिमम की वैल्यू हो गई जो आई में थी, मतलब आई में जो भी वैल्यू था अभी वो वैल्यू नहीं है, अब कौन सा जो वैल्यू जो मिनिमम था, तो मिनिमम वैल्यू क्या था यहाँ पे अपने पास 10, तो यहाँ पे क्या स्टोर हो गया, अभी अभी यहाँ पे 70 नहीं है, अभी यहाँ पे 10 है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्या किया हमने यहाँ पे कोड में, ए आर आर ऑफ मिन इज इक्वल टू टेम्प, और जो मिनिमम का जो इंडेक्स था, मतलब जहाँ पे मिनिमम अपने को मिला था, ठीक है, वहाँ पे टेम्प की वैल्यू स्टोर कर दी। तो यहाँ पे देखो टेम्प की वैल्यू क्या थी 70, और मिनिमम हमको मिला था यहाँ पे, ये हमारा मिनिमम था, तो 70 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, स्वाइप हो जाएगा, मतलब वैल्यू कैसे हो जाएगी 10 30 20 यहाँ पे 70 यहाँ पे 40, आपको समझ गया होगा यहाँ पे कैसे लूप परफॉर्म किया है। ऐसे ये लूप परफॉर्म करेगी, इंडेक्सिंग बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और फाइनली अपने को जो जो लिस्ट मिलेगी वो होगी सॉर्टेड लिस्ट, और फिर अपने का अपना मतलब अपना ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट का। तो यहाँ पे ये कोड खत्म होता है, यहाँ पे हमने बबल सॉर्ट यूज किया, सिलेक्शन सॉर्ट यूज किया, और यहाँ पे हमने उसको डिफाइन किया है, देखो सिलेक्शन सॉर्ट, और यहाँ पे दिया एरे एन, यहाँ पे बबल सॉर्ट एरे एन। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम खत्म होता है, पर एक बार इसको रन करके देखते हैं, इसको मैं रन यहाँ पे रन करता हूँ। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैं डाल रहा हूँ 3, ठीक है, 3 बच्चे हैं, उनके मार्क्स लिखता हूँ 11, 12 और 10, ठीक है। तो मुझे सॉलिड कैसा आएगा, 10 11 12, देखते हैं क्या आता है, इंटर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे दो वैल्यूज आए सॉर्टेड होके, पहला आया देखो सॉर्टेड यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट आया मेरा 10 11 12, और यूजिंग बबल सॉर्ट आया मेरा इधर यहाँ पे, अच्छा 10 11 और 12, ठीक है, ये कोड यहाँ पे मेरा फिनिश होता है।
थैंक यू।